गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी निहारिका के पाठ 11 माँ की ममता पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, फिर भी अपनी माँ के प्यार का कर्ज नहीं उतार सकते। ममता का कोई मूल्य नहीं होता, अर्थात इस पाठ में कहा जा रहा है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर वे अपने माँ के प्यार का कर्ज को कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि माँ की ममता का कोई भी मूल्य नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक बार उसके मन में विचार आया कि अपनी माँ का कर्जा उतार दिया जाए। अर्थात किसी समय एक नगर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। वह बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। एक बार उसके मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मैं अपनी माँ का कर्ज उतार दूँ। ऐसा सोचकर वह अपना सारा अनाज, सोना तथा नकद रुपए इत्यादि इकट्ठा करता है और अपनी माँ के पास ले जा कर के बोलता है, माँ तुमने जितना रुपया मेरे पालन पोषण व शिक्षा पर खर्च किया, उससे अधिक धन मैं ये ले आया हूँ, ये सब तुम ले लो। उस धन को अपने हाथ से गरीबों में बांट देना, ताकि मैं तुम्हारे ममता के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। बेटे की इस प्रकार की बात को सुनकर माँ को बहुत दुख होता है और वह सोचती है कि मेरा बेटा पैसों के घमंड में आकर माँ की ममता की कीमत धन से लगा रहा है। फिर वह माँ बोली, बेटे आज ही क्या जल्दी है, धन तो मैं तुमसे कल भी ले लूँगी। यह सुनकर बेटा बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि माँ ने मेरी बात मान ली है और वह बहुत प्रसन्न होता है। रात को माँ ने एक बाल्टी में पानी भरा और उस पानी को पलंग के पास रख दिया और जब बेटा सो गया तो माँ ने बेटे के बिस्तर पर उस बाल्टी में से एक लोटा पानी निकालकर उसके बिस्तर पर डाल दिया। उस समय जाड़े की रात थी, इसलिए बेटा तुरंत जाग उठा और वह अपनी माँ के इस प्रकार से पानी को बिस्तर पर डालने से बहुत क्रोधित हुआ और वह क्रोधित होकर यानी गुस्से से माँ से बोला, माँ यह तुम क्या कर रही हो, मेरे बिस्तर पर पानी क्यों डाल रही हो। तब माँ ने कहा, तुम एक रात में घबरा गए, मैं तो तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद गीले बिस्तर पर एक बार नहीं बहुत बार सोई हूँ। तुम यदि एक सप्ताह भी इस गीले बिस्तर पर सोकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे ऋण से मुक्त हो सकते हो। अर्थात माँ अपने बेटे को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि जब वह बहुत छोटा था और बिस्तर पर सूसू कर देता था, तब माँ उस बच्चे को हर बार उठा उठा करके सूखे स्थान पर सुलाती थी और खुद उस गीले बिस्तर पर सो जाती थी। अपनी माँ की इस प्रकार की बातें सुनकर वह बेटा अपनी गलती का
एहसास करने लगा और उसने अपने भूल के लिए अपनी माँ से क्षमा मांगी। माँ ने मुस्कुरा कर अपने बेटे को क्षमा कर दिया। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो यदि किसी को इस पाठ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी भी शब्द के अर्थ को पूछना हो या वाक्य के अर्थ को पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।